भाई पहला बर्थडे है जो इतनी रात को मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं गिफ्ट के साथ ही। अपने में ओपन नहीं कर रहा, मैं खोलूं या ना खोलूं। हमने बनवाया था और ये केक हो गया ऐसा। एंड डेकोरेशन वाले टाइम पे नहीं आएंगे, और अगर आप भी गए तो पूरे दिन से आज लाइट नहीं है, फोन भी जाने वाला है। नीचे ये लगेगा सूट पे और गले पे ये लगेगा। नहीं मैं सच्ची की बात बताती हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहती थी 1.5 साल पहले, मैंने ना किसी से मांग के रिक्वेस्ट व्लॉग। और ये व्लॉग मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, आई नो। आज है मेरा बर्थडे, सबको पता है, और बर्थडे वाले दिन भी काम मेरा कंटिन्यू है। मेन प्रॉब्लम क्या है, डेकोरेशन वाले जो किए थे उनके पास एक मैसेज फॉरवर्ड करना था पहले, तो वो मैंने किया नहीं और वहाँ पे मिस्टेक रहेगी। सो 11 बजे उनको आना था करने के लिए, वो आएंगे 1:30 बजे और फिर 4 बजे तक होएगा, जबकि गेस्ट वगैरह जो आएंगे, कुछ फ्रेंड हैं, बुआ जी वगैरह आएंगे, वो 2 बजे आ जाएंगे या 3 बजे आ जाएंगे, ज़्यादा उनको बोल दूँगी। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि घर में साफ़ सफाई कर लूँ, खाना पीना भी मैंने बनाना रखा हुआ है, खाना पीना बनाऊँगी, चेंज वेंज करूँगी। और मैं सोच रही थी कि हेयर वॉश करना है मैंने, मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं नेल आर्ट करवाऊँगी अबकी बार, तो वो भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्या होगा। व्लॉग को पूरा देखते रहना, क्या होगा क्या नहीं, सारी चीज़ें टाइम पर हो पाएंगी या नहीं मुझे भी नहीं पता। झाड़ू मैंने निकाल दिया, पोछा मेरा प्यारा सा भाई मरवा रहा है। ओ मेरी अलमीरा खुली हुई है, कपड़े देख लो गाइस मेरे कहाँ तक अलमीरा भरी पड़े, नीचे का ऊपर का सारा वो भी ठीक करूँगी। क्या ये मार दिया, मैं बाहर का मार रही हूँ एक बार, बहुत हेल्प करवा दी। पापा जी ने टमाटर प्याज काट दिए और यहाँ पे आलू उबाले हुए हैं, सारा सब कुछ धो के फिर सब्जी और चावल बनाऊंगी मैं। ऐसा केक हमने बनवाया था और ये केक हो गया ऐसा। ऐसा केक हमने बनवाया था और ये केक हो गया ऐसा। ये नहीं हो रहा ठीक, केक दोबारा मंगवाना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। शायद क्या बताओ, इस केक में कुछ दिक्कत हो। हमारे खाने से पहले ही वो ऐसा हो गया। नहीं, केक दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए चावल बना रही हूँ, आराम से पानी पियो, रुको। हाथ जल गया यहाँ से दिख रहा है जो रेड रेड, और साथ में केक की वजह माता दी हो गई। ही ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और मेरा अभी तक सब कुछ रह गया। केक था, केक ख़त्म, टाइम पे केक नहीं हो पाया, एंड डेकोरेशन वाले टाइम पे नहीं आएंगे, और अगर आप भी गए तो पूरे दिन से आज लाइट नहीं है, फ़ोन भी जाने वाला है, और लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी बिकॉज उसमें अंजुम और लाइट वाला है, पता नहीं कैसे क्या होगा सिस्टम। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं नहा के धो के तैयार हो जाऊँ अभी। मेरे साथ ऐसा ही होता है हर बर्थडे में, अब की बार थोड़ा सा सोचा था कि स्टार्टिंग अच्छी हो गई थी, गिफ्ट्स वगैरह मेरे को रात को बहुत मिले, रात को थोड़ा सा सेलिब्रेशन करा था, और मेरी छोटे सी फ़ैन, छोटी मेरी बहुत बड़ी फ़ैन इंस्टाग्राम से है जिन्होंने मेरे लिए भेजा है सूट, वो मैं दिखाऊंगी आपको। पीछे जो है भैया लोग आ गए डेकोरेशन के लिए, अभी आए हैं वो, टाइम हो रखा है, टाइम क्या होगा उन्हीं से नहीं। एक बात बताओ, आप यहाँ सोने आए हो? Yes, मेरा बर्थडे आज, आपको पता है? नहीं नहीं, आप सोए हुए क्यों थे तब से? हम नींद आ रही थी, थक गया था। एक पैर पे खड़ा होना चाहिए आपको बाहर बालकनी में पूरा दिन। केक आ गया है अभी, केक लेके आ। चलो ठीक है, टाइम बताओ ना मुझे क्या हुआ। 3 बज गए, मेरा 2 बजे फंक्शन स्टार्ट होना था, लाइट की भी लाइट गंदी होती है, बहुत लाइट गंदी होती है, केक भी, केक वाले बनाने वाले गंदे होते हैं, लाने वाले भी होते हैं, और क्या था, डेकोरेशन वाले भी, चल मेरी गलती है मैंने उनको बोला नहीं था, अंजुम और भी गंदी होती है। तो डेकोरेशन पीछे चालू हुई है अभी, सारा सामान वगैरह हटाया है बाहर, हमने चारपाई वगैरह निकाल दी यार, पता नहीं भैया आज का दिन बहुत ख़राब है, थोड़ा सा ध्यान से करो, कोई कुछ चीज़ लेके आए वो भी टूट जाए। तो दिन खराब मतलब करा कर चले हुए हैं शायद से, इस वजह से भी हो सकता है कि हम नई नई चीज़ें ला रहे कर रहे, करने नहीं चाहिए। और उन दोनों बंदों का, अंकुश का और अनुज का पता नहीं है, सारा सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ, मैंने बोला था कि टाइम से आ जाना और मेरे साथ हेल्प करवा देना, 3 बज चुके, वो बोले कि 1 घंटे में आ रहे हैं, सुबह 11 बजे से मेरे को 1 घंटे का लारा दिया जा रहा है और वो आके नहीं दे रहे, पता नहीं, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों का। नीचे अभी और मिरर में जो जो दिख रहे हैं आप देख सारे हैं नीचे, पता नहीं क्या सरप्राइज है, धन्नो में है, देखेंगे धन्नो क्या सरप्राइज लेके बैठे।
वैसे गलत बात है, तनु तूने भी मेरे को नहीं बताया क्या है, तो देखते जाके फिर क्या मिलेगा। थोड़ा सा वो आगे जा रहे हो, मैं काम करो, मुझे इसके अंदर ही पैक कर दो ऐसे ही। वाह भाई, दिन में मैं सोच सही है, गुस्सा नहीं किया। देखो ऊपर ले चलो, देंगे। थैंक यू। अरे मैम एक ही काम पे लगा, ठीक है, चल रही है बर्थडे वीडियो, ठीक है। लाइट ऑन करो, डे टू यू, कैमरा दे दो, लाइट ऑन है, लाइट ऑन करती जाएगी, ठीक है। व्लॉगिंग तो ना हो, व्लॉग बन रहा है। अरे भाई लाइट ऑन कर दूं, फाइनली गाइस सब कुछ हो गया है और हमें लाइट बार बार बंद करनी पड़ रही है, बिकॉज ना लोड पड़ रहा है लाइट पे। स्टार्ट क्या करूं, ये तोड़। अच्छा अच्छे से मेरे मुंह पे नहीं, हां ऊपर ही साइड थोड़ा आगे करो, हां कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू haven't played, no I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song, I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and तू रील बना रहे हो? एक सेकंड भाई, यहाँ से फेंकना था इनको, कितनी दूर से फेंक रहे, फूल फेंक रहे जैसे। सर पे मेरे रहता था, चलो चलो चलो, मैंने ले लिया कैप्चर्ड। नहीं नहीं पहले इनके खोलो, ये लास्ट में खोलना, हमारा तो ज्यादा खास नहीं है, मैं तो केक था मेन। चलो तो मैं ओपनिंग कर रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला जाने और बुआ जी वाला खोल रही, बिकॉज हमने बाहर जाना है खाने के लिए, और आई होप मुझे तो बता नहीं रहे क्या एड्रेस क्या नहीं है, मैं कल करने वाली थी अलग से ब्लॉग, बट बुआ जी बोले कि नहीं खोलो। तो बाहर पहन के जाऊंगी मैं अभी, अगर मेरे को आई बस थोड़ी फिटिंग की प्रॉब्लम, फिटिंग की प्रॉब्लम, टेंशन ना ले, वो तो आप खुद ही कर लोगे। टॉप खोल के तो देखो, खोल के देखो तभी तो पता चलेगा, ऐसे तो फिर को बता दे, तो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्या मतलब बोल रहे हैं। और ये चीज इसके ऊपर, तो वो आपने सारी फिटिंग ले रखी है, ये किसने पसंद थी, प्रोफेशनल फिटिंग बुआ की, बुआ की जितना छोटा ये भी सुन लो, बिल्कुल फिटिंग लेके आया है। वाओ यार, ये किसी और का बर्थडे होगा, आज मेरा बर्थडे है, ये पहन के बहुत मेरी लाडली और प्यारी बुआ, इनसे मतलब कि जितना प्यार करती हूँ मम्मी भी कैसे करती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों इतना प्यार इनसे हो रखा है। और जबकि भतीजा दीजिए क्या और भी है, लेकिन ये भी मुझसे प्यार करते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी से करते हो मैं। हाँ मेरे को लग रहा है मेरे भतीजे से ज्यादा करते हैं, हाँ मुझे सबसे ज्यादा करते हैं। हम तो लुट गए। नेक्स्ट चलो अभी दूसरे गिफ्ट भी खोलूं मैं,
चलो औरों के भी देख लेते, कर ही लेते हैं। ये वाले सुबह काम में दे रही हूं। ये नहीं है यार, वो नहीं सर। गाइस इसमें पर मारो कुछ भी हो। गाइस इसमें वॉच लगी है यार, मेरे को पता नहीं था मैं क्या लाता हूं। क्या ना मस्त है, इट्स फॉर द हैप्पीनेस। ठीक है, कपड़े तो सब लाते, मेरे को साइज वाइज का कुछ आइडिया नहीं था, सॉरी। नहीं सर, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, कुछ भी हो। वाओ, ये पहले मैंने यही किया था, लेकिन मैंने ये बुद्धा लेके जाऊंगी। ये सोलर वाला है, फिर मतलब गाड़ी में लगा सकते हो, जस्ट फॉर द हैप्पीनेस। गुड लक, ये हमारे तीनों के लिए, इनके लिए भी गुड लक और आपके लिए भी गुड लक। जो देखते हैं ना उसको भी और जो लेने वाले को, तो ये गाड़ी में लगे दोनों के लिए। सुबह शाम देखेंगे करते हुए। गाड़ी की तरफ से केक था जो सबसे फर्स्ट वाली गिफ्ट में आप देंगे, और बहुत अच्छा केक था अंकित की तरफ से। ये अंकित की तरफ से, ये अंकित की तरफ से है। थैंक यू ब्रो, बाकी मेरा गिफ्ट पेंडिंग है। थैंक यू ब्रो, क्या है इसमें? अलग से प्राइस उठा दो यार, ये पहले खोल लेते हम। इसके ऊपर सही मैचिंग होता है। हां, इसके ऊपर मैच होता है। ये बहुत प्यारे अंकित, थैंक यू सो मच। हम उसकी तरफ से, बट आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे को इतने गिफ्ट दे रखे हैं, ये इतने सारे गिफ्ट क्यों सोचे हैं? नहीं वॉच लग रही है, वॉच है। थैंक यू, मेरे पास दो ही वॉच है, उनको ही मैं आगे पीछे सारा दिन पहन रही हूं। ये क्या कर रहा था तू? क्या अरे नहीं, ये भी चोर बाजार से ही लेके आए हैं। चलो, इतनी मेहनत की चोर बाजार में जाने के लिए भी कलेजा चाहिए होता है। किसी तरफ से किसी तरफ से ये बेस्ट गिफ्ट है। यो, तो वो थोड़ा क्लोज अप लीजिए। ये किसने दिया? और ये दिए हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिए हैं, ये मुझे पसंद है। ये भी अंकुश ने दिए हैं, इनका मुझे प्राइस पता है, ये है 3000 वाले, क्योंकि मैं ये पसंद करके छोड़ आई थी। आप लोगों को पता, मैं पैसे नहीं लगा सकती, खुद पे तो बिल्कुल भी नहीं। जो पसंद आया, हाँ उस दिन पसंद आया थी ना, बोलिंग करने गए थे, बोलिंग करने इस मॉल में मैं गिरी थी ना, याद है ना? हाँ, टूट के आज गिरी है वाली में, वही से लाए। ये भी मेरे को बहुत प्यारे लगे, ये सारे मैचिंग में दिस एंड। और हाँ, एक फैन का भी दिखाना मुझे, मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने स्पेशल मना किया है, गर्ल है, ये भी बता देती हूँ। और ये लगा लो कि मैं उसको, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। तीन लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे जो मेरे को बहुत ही प्यारी लगती हैं, वो ये लगा लो कि जब से मेरे 100K भी नहीं थे तब से मेरे साथ हैं वो, और बहुत लॉयल हैं, फैन पेज हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भेजा है, छोटी सी ये बच्ची, वो इतनी मेहनत की है उसने मेरे लिए। फुलकारी भी बहुत प्यारी है, पीछे नीचे ये लगेगा सूट पे और गले पे ये लगेगा। नहीं मैं सच्ची की बात बताती हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहती थी 1.5 साल पहले, मैंने ना किसी से मांग के रिक्वेस्ट करके पहना था वो सूट, और रेड कलर में था, थोड़ा सा अलग था, बट फुलकारी थी उसमें, फुलकारी की वजह से। तो मैंने तब सोचा था लेने के लिए, तो मैं जॉब करती थी तो मेरे पास था नहीं इतना, मेरे को तब मैं ले नहीं पाई। बट अभी उन्होंने गिफ्ट भेजा, मैं भूल गई थी कि मेरे को लेना था ऐसा, बट अभी याद आया, वो मेरे को तो ऐसा चाहिए था। थैंक यू सो मच, आप मुझे पता ब्लॉग देख रहे हो। गेम खेलने गए थे, गेम खेलेंगे, बॉलिंग करके फिर खाना खा के घर पे जा रहे हैं, घर पे भाजी वगैरह को छोड़ने जाएंगे अनुज, और फिर जाएंगे हम जा रहे हैं सर के साथ भाजी छोड़ने। B1 आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और बर्थडे भी बहुत स्टार्टिंग में तो लग नहीं थी इतनी अच्छी रहेगी, उसको भी लास्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही दोनों बाहर मिली। ठीक है।